आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती 31 अक्टूबर 2022 को मनाई जा रही है। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के खेड़ा जिले में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वह एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक साधारण किसान परिवार का लड़का अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर भविष्य में खास बन गया। सरदार पटेल ने शराब, छुआछूत और नारियों पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की। आजादी की लड़ाई के दौरान वह कई बार जेल भी गए, लेकिन पटेल की दृढ़ता के सामने अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। पटेल को देश का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यह पद गृह मंत्री के समान था। उन्हें कई और जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सबसे बड़ी चुनौती देसी रियासतों का भारत में विलय था। छोटे बड़े राजाओं, नवाबों को भारत सरकार के अधीन करते हुए रजवाड़े खत्म करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन बिना किसी जंग के सरदार पटेल ने 562 रियासतों का भारत संघ में विलय कराया। इसी वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि प्रदान की थी। यही कारण भी है वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। चीन के षड्यंत्रों को पहले से सरदार पटेल ने भांप लिया था। 1950 में उन्होंने नेहरू को खत लिखकर चीन से संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। हालांकि नेहरू जी ने उस वक्त सरदार पटेल की चेतावनी पर ध्यान ना दिया और परिणाम स्वरूप 1962 की चीन की लड़ाई हुई। आज पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष भी स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में देश के सभी क्षेत्रों के पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशवासियों की ओर से सरदार पटेल की प्रतिमा की पद पूजा के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके अलावा देश के 750 जिलों में शिक्षा और खेल मंत्रालय के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लोगों को शामिल करते हुए 75,000 एकता दौड़ आयोजित की जाएंगी। होपफुली बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर ये सब बातें जानकर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।